Hello friends, I am Adila from Pakistan. I am a cake artist. I make video, vlogs, baking, cooking and much more. If you like anything in my channel, don't forget to subscribe me. अदर रेसिपी जो कि है अफ़गानी पुलाव, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कि ये हमें बनाना सिखाएं, तो मैं इसकी रेसिपी के साथ आपके साथ आई हूँ। और इधर मैंने योगर्ट लिया है और उसके अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च और साथ में पुदीने को डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और इधर मैंने चिकन जो है उसको हम एक बाउल में डालेंगे और यहाँ पे जो हमारे लेग पीस है उसको हम एक एक कट लगाएंगे, क्योंकि लेग की जो रोटी है वो बड़ी होती है, इसलिए उसको कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो पेस्ट है, कोई मसाला है, वो अच्छे से बोटी के अंदर चला जाए। यहाँ पर हमने सारा जो अपना हमारा चिकन है मैरिनेशन के लिए उसको हम डाल देते हैं एक बड़े बॉल के अंदर। और इधर मैंने जो दही के साथ सब चीज़ों को ग्राइंड किया था, हरी मिर्च और पुदीने को, और वो मैं डाल दूँगी इस चिकन के अंदर। और यहाँ पर मैं मेहरान का चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, वो ऐड करेंगे। और ये चला गया दही इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मेहरान का चिकन टिक्का मसाला। और अब जो मसाला है हमने इसके अंदर ऐड किया और दही, इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसको अपने हाथ से मिक्स करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ये होगा कि बोटियों को जो मसाला है वो अच्छे से लग जाएगा, और अदरवाइज़ आप इसको स्पून के साथ ही मिक्स कर सकते हैं। ये हमारा मसाला जो है चिकन को लग गया है। और इधर हम अब इसे एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसको हम ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर रहे हैं चिकन को। चिकन हमने डाल लिया है अपने एयर टाइट जार में और इसको अब हम मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे सारी रात के लिए। और अब इधर बनाते हैं चावलों का मसाला, जिसके लिए लहसुन और लहसुन को चॉप कर लिया और कट कर लिया और उसके साथ थोड़ा सा अदरक लिया है, अदरक को कर लिया है। और यहाँ पर एक मैंने टमाटर लिया है, टमाटर को ब्रिक ब्रिक स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पर हमारा चावलों का जो मसाला है वो रेडी हो गया। और अब इसका जो मेन चीज़ है चावलों की वो है गाजर, इसको हमने क्रश करना है। गाजर को अच्छे से क्रश कर लेना है, ये नई नई गाजर है तो इसके अंदर जो इसका कील है वो बहुत हार्ड होता है, वो क्रश नहीं हो रहा, इसलिए मैं उसको नहीं कर रही, दूसरी साइड से हम कर लेते हैं। ये सारी गाजर मैंने क्रश कर ली है और इसका जो हार्ड पार्ट है वो मैंने नहीं किया और वो नहीं होगा क्रश, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब जो हमने गाजर क्रश की है उसको हम अब एक पैन में डालेंगे और उसके साथ हम 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर देंगे। मेरा ये स्पून छोटा है, आप 2 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना, इसको अच्छे से मिक्स करके तो अब हम इसको फ्लेम पे रख देंगे और इसको हल्की धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट करना है ताकि ये जो गाजर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और इसके साथ साथ आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इधर हमने
अब एक बेचकी में चिकन लिया है उसको डाल दिया है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा लाइम जूस डाला है, नमक डाला है, क्योंकि नमक जब मैरिनेशन के लिए कोई चीज़ रखते हैं तो उसको हम नमक नहीं लगाते, वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो डाल दिया है। और साथ में मैंने ऑयल डाल के पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो पक रहा है, इसको हम ढक देते हैं। और इधर अब चावलों की तैयारी कर लेते हैं, चावलों का जो पानी है उसको और चावलों का धो लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारे चावल हैं वो वॉश हो गए हैं और इनको हम 15 मिनट के लिए भिगो देते हैं। और यहाँ पर कोयले को गर्म करते हैं क्योंकि हमारे चिकन है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चिकन है वो रेडी हो गया है पककर। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी, वो दरमियान में रखूँगी चिकन के, इसके ऊपर कोयला रख के 3 से 4 ड्रॉप इसके ऊपर मैं ऑयल के ड्रिप करूँगी, और जिससे इसकी स्मोक बनेगी। और हम फौरन से इसका ढक्कन ऊपर दे देंगे, और जितना भी स्मोक है कोयले का वो चिकन में रहेगा, वो एक उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, तिक्के का टेस्ट आएगा, क्योंकि हमारा चिकन तिक्का बन रहा है। और इसके साथ साथ अब चावल पका लेते हैं। चावलों के लिए एक बड़े देचके में मैंने ऑयल लिया है और उसके साथ एक प्याज दरमियानी साइज़ की कट कर दी थी वो डाल दिए। इसको अब हम भूनते हैं, प्याज को ज़्यादा ब्राउन दूसरे पुलाव की तरह बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, वाइट वाइट रखना है। यहाँ पर मैंने लहसुन ऐड कर दिया और अदरक ऐड कर दिया, इसको भून लेते हैं अच्छी तरह। मसाले को हमें ब्राउन नहीं करना, वाइट वाइट रखना है, ठीक है, जैसा कि मेरा कलर अच्छा नज़र आ रहा है। और हमारा जो प्याज है वो इतना उसका कलर बस आना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया है, मसाला भुन गया था तो अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं खा रही हूँ शकरकंदी की चाट, जो कि मैंने खुद बनाई थी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी तो साथ साथ मैंने कहा ये खा लेते हैं। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये भी बनाना सिखा दूँगी। और अब इधर चावलों का पानी पक रहा है, पक पक के पागल हो गया है, तो अब इसके अंदर हम कर देते हैं चावल अपने ऐड। चावलों को अच्छे से ऐड करके अब इनको हिला लेते हैं, और ये इनको हल्की आंच पे, बल्कि तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। यहाँ पर चावल पक रहे हैं और कोयला जो है अभी चावलों को रेडी कर रही हूँ, इसका भी चावलों को स्मोक देंगे। और यहाँ पे जो चावल हैं वो दम के लिए रेडी हैं, दम दे दिया है। और साथ ही मैंने एक कोयला जो था, जैसे चिकन के ऊपर कोयला रख के स्मोक दिया था, ऐसे ही हम अपने चावलों को स्मोक देंगे। और यहाँ पर हमारे चावल हो गए हैं रेडी, और इधर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी मेवा, खुश्क जो मेवा होता है वो डाल दूँगी। और अब हम डालते हैं अपनी चिकन जो रेडी किया था, बोटियाँ एक एक करके हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, सारी बोटियों को ऐसे रख के, तो दोबारा से एक बार फिर हम स्मोक दे लेंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी हमारे राइस में से। और अब हम चावलों को कर लेते हैं मिक्स, जो के देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, यमी, और खाने में भी बहुत 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 मज़े के बने थे और बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैंने आलमंड लिए थे, उनको पानी में भिगो के पिल आउट करके फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद चावलों के ऊपर डाल दिए हैं। और जो गाजर थी चीनी के अंदर जिसको पकाया था वो ऊपर से डाल दी है, और ये हो गई है हमारे अफ़गानी पुलाव की गार्निश। और इसको हमने डिश आउट कर लिया है, और अब इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। आप लोग मेरी रेसिपी को, अफ़गानी पुलाव को, जिन लोगों ने कहा था वो अब देख लें और ज़रूर ट्राई करें।